ही हुआ है कि इतना बड़ा कुछ एक्शन लिया गया है, मिसाइल्स वगैरह गिर रही है, बॉम्ब्स गिर रहे हैं। अभी तक भी कोई स्ट्रेस का माहौल नहीं था, बट आज काफ़ी लोग बहुत डर गए हैं जब से मिसाइल्स गिरनी शुरू हुई है। मैं बहुत खुश हूँ मेरी बेटी घर आ गई। डर लगता था टीवी जब हाँ देख रहे थे। जी, सारा दिन अकेली होती थी, टीवी देखती थी, फिर रोने लग जाती थी, जैसे रोती थी। तो अब खुशी हो रही है बहुत कि मेरी बेटी घर आ गई। ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वो एक बेटी और एक माँ की दिखा रहे हैं। ये माँ काफी ज्यादा चिंतित थी, टीवी देखती थी तो और ज्यादा परेशान हो जाती थी, क्योंकि इनकी बेटी पढ़ने के लिए यूक्रेन गई हुई थी। वहां से बच्चे अधिकतर MBBS करते हैं। कई बच्चे आ गए थे, कई बच्चे फंसे हुए थे, लेकिन भव्या भी फंसी हुई थी। हमने आपको एक खबर 2 दिन पहले दिखाई थी जहां पर इनके पिता अपील कर रहे थे सरकार से, प्रशासन से, कि सहयोग किया जाए और जल्द से जल्द जो इनके बच्चे हैं वो घर वापस आ सकें। काफी मशक्कत के बाद टिकट कंफर्म होती है। टिकट कंफर्म होने के बाद भव्या वापस फ्लाइट के जरिए करनाल पहुंच जाती है। कैसा है वहां का मंजर, क्या है वहां की स्थिति, ये भव्या से जानने का प्रयास करेंगे। भव्या, कब आप गए वहां पर, क्या स्थिति रही वहां पर, कुछ अपने आंखों देखा हाल बताइए। मैं 11 दिसंबर को गई थी यूक्रेन, और वहाँ पर तब काफ़ी नॉर्मल सिचुएशंस थी। इनफैक्ट जब 16 को ये बोल दिया था कि वॉर होगा, तब भी हमारी काफ़ी लोगों से बात हुई वहाँ पर, वो सब नॉर्मल थे, वो ऐसे थे कि कुछ भी नहीं होगा। ऐसा फर्स्ट टाइम ही हुआ है कि इतना बड़ा कुछ एक्शन लिया गया है, मिसाइल्स वगैरह गिर रही है, बॉम्ब्स गिर रहे हैं। अभी तक भी कोई स्ट्रेस का माहौल नहीं था, बट आज काफ़ी लोग बहुत डर गए हैं जब से मिसाइल्स गिरनी शुरू हुई है। आप किस स्थान पर रहते हैं, वहां पर कीव से वो कितना दूर है, या जहां पर हमले हुए हैं वो जगह उससे कितनी दूर है? मैं डनेप्रो सिटी में रहती थी। डनेप्रो सिटी कीव से काफ़ी दूर है, बस से 8 आवर्स लग जाते हैं। और जो बाकी स्पॉट्स पे बॉम्बिंग वगैरह हुई है, जैसे बोलते हैं इवानो में, इवानो का जो एयरपोर्ट है वहाँ पर बॉम्ब गिरा है, वो 20 किलोमीटर्स तक का दूर है। दोनास्तों का भी एरिया है जहां पर हमले हमले हाँ, वगैरह वो हुए। कीव के आसपास ही पड़ते हैं, वो ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए वो सेफ़ प्लेसेस नहीं माने जाते। अपने दोस्तों से आज बात की होगी, कैसी सिचुएशन है, क्योंकि सुबह से ही खबरें आ रही हैं हमले की। मेरे कुछ दोस्तों की आज फ्लाइट्स थी, तो वो कीव एयरपोर्ट पर गए थे फ्लाइट बोर्ड करने, लेकिन उनको फिर ईमेल आता है कि उनकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई है। उसके थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी आकर उनको एयरपोर्ट से निकाल देती है। फिर वो सेफ़ प्लेसेस ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं जा नहीं पाते। फिर वो रेलवे स्टेशन पर भी जाते हैं, बट ट्रेन भी बंद हो जाती है। फिर अभी वो होटल्स ढूंढ रहे हैं, वो कोई सेफ़ प्लेस ढूंढ रहे हैं। फूड को लेकर कितनी परेशानी, या रहने को लेकर कितनी फूड को परेशानी? लेकर अभी कोई इतना परेशानी नहीं है, क्योंकि अभी दिन में सेफ है निकलना, तो बहुत लोग सुपरमार्केट्स जा रहे हैं, सामान इकट्ठा कर रहे हैं। और जैसे हम फर्स्ट ईयर वाले मेस में जाते हैं, तो मेस से भी पैकिंग्स पहुंचाई जा रही है। क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? बहुत सारी दोस्त हैं आपकी, हाँ, करनाल की, इनफैक्ट हरियाणा की। मेरी एक फ्रेंड गई थी मेरे साथ, साथ ही गई थी, बट वो वहीं पर रुकी हुई है क्योंकि उसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आ गया था। एम्बेसी भी कोई एक्शन नहीं ले रही है, वो बोल रहे हैं कि वो क्लोजली सब कुछ देख रहे हैं, बट कोई एक्शन नहीं ले जा रहा है। इवैक्यूएशन प्रोसेस भी प्रॉपरली नहीं किए जा रहे। एयर इंडिया की फ़्लाइट्स इतनी महंगी कर दी है, कुछ लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और जो नॉर्मल फ़्लाइट्स हैं, एयर अरेबिया वगैरह, ये सब, ये अब बंद हो चुकी है। तो अब सब लोग गवर्नमेंट से ही अपील कर रहे हैं कि इवैक्यूएशन प्रोसेस शुरू की जाए। पढ़ाई कितनी प्रभावित हुई है इस दौरान? पढ़ाई काफ़ी प्रभावित हुई है। अभी सब ऑनलाइन क्लासेस हो गई, ऑनलाइन क्लासेस में इतना समझ नहीं आता जितना फेस टू फेस पढ़ने में, जो इंट्रैक्शन होता है इतना अच्छा नहीं हो पाता है ऑनलाइन क्लासेस में। क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगी कि वहाँ पर इतने जो लोग फंसे हुए हैं, इतने बच्चे फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकाला जाए, क्योंकि पेरेंट्स ऑलरेडी इतना मुश्किल से हमारे को बाहर भेजते हैं, और उसके बाद भी हम लोग सेफली वहाँ पर नहीं रहेंगे तो क्या फ़ायदा है। आंटी जी खुश हैं, बेटी घर वापस आ हाँ गई जी, है। हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ मेरी बेटी घर आ गई। डर लगता था टीवी जब हाँ देख रहे थे। जी, सारा दिन अकेली होती थी, टीवी देखती थी, फिर रोने लग जाती थी, जैसे रोती थी। तो
तो अब खुशी हो रही है बहुत कि मेरी बेटी घर आ गई। आपकी बेटी घर आ गई है, लेकिन औरों की बहुत औरों होगी। के लिए तो हाँ अभी भी है चिंता कि हाँ उनको भी निकाल ले इंडिया हाँ वाले, कैसे भी हाँ करके निकाल ले उनको भी। हाँ पढ़ाई भी प्रभावित हो हाँ रही है। जी, पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। अब आपको लगता है कि भव्या के नेचर में, या वो भी काफी डरी डरी यहाँ पर भी सहमी जब आई है, तो वो एक फर्क देखने को मिल रहा है? ये नहीं है ये नहीं सहमी है, हुई, नहीं। क्योंकि बच्चे डर गए हैं वहाँ हाँ के जो जी, काफी आए हैं। लेकिन इसके जहाँ ये रहती है वहाँ सेफ था ना एरिया, इसलिए ये ठीक है, इसको कोई चिंता नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे चिंता थी बस। आपको शुभ नाम। अंजू जैन, अंकल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2 दिन पहले आपसे मेरी बात हुई, तब काफी चिंतित थे आप बेटी के लिए भी और बच्चों के लिए भी, लेकिन आपकी बेटी घर आ गई है सही सलामत, ठीक है, राहत है। हाँ बेटी के लिए तो राहत है, लेकिन वो बच्चों के लिए अभी भी चिंता है। और भगवान महावीर स्वामी उनको भी सकुशल अपने घर लौटाए, यही भगवान से कामना करते हैं। क्योंकि बच्चे सबके साजले होते हैं, सभी बच्चों की जिस प्रकार से हम पेरेंट्स चिंता करते थे, जिनके बच्चे वहाँ उनके पेरेंट्स भी अभी यहाँ चिंता कर रहे हैं। क्यों, कुछ बच्चों के अभी गवर्नमेंट की तरफ से कागज़ नहीं मिले थे, पासपोर्ट वगैरह वेरिफिकेशन नहीं हुई थी उसकी वजह से, नहीं तो इसके साथ जो इसकी सहेली गई थी वो भी साथ ही आती, उसकी पासपोर्ट वेरिफिकेशन नहीं हुई थी, इसलिए उसे वहाँ रहना पड़ा। भव्या आकांक्षा से बात हुई क्या? हाँ, मेरी उनसे सुबह बात हुई थी, जब अटैक्स होना शुरू ही हुए थे तो वो लोग फ्लाइट्स वगैरह देख ही रहे थे, बट फ्लाइट्स तो सब बंद हो चुकी है, तो अभी वो सारा जो इमरजेंसी का सामान होता है वो इकट्ठा कर रहे हैं ताकि उन्हें आगे दिक्कत ना आए। क्योंकि जैसे अभी न्यूज़ में दिखा रहे हैं, जो भी न्यूज़ हमें मिल रही है, आगे सिचुएशन खराब ही होगी। भव्या आपका फर्स्ट ईयर था, पढ़ाई अभी शुरू हुई थी, लेकिन बहुत सारे बच्चे फर्स्ट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है जिनकी कोरोना के कारण पढ़ाई प्रभावित हुई और अब इस घटनाक्रम को लेकर हो रही है। कितनी मुश्किल आती है वहां पर जब एक बच्चा पढ़ने के लिए जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान विदेश के अंदर। बहुत दिक्कतें आती है, जैसे कुछ भी नहीं पता होता है उस जगह के बारे में, खुद ही घूम घूम के पता लगता है, बहुत गलतियां भी होती है, बट फिर हो जाता है थोड़ा थोड़ा करके एडजस्टमेंट फिर। लेकिन जैसे जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं, जो फोर्थ ईयर के बच्चे हैं, उनके कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो प्रैक्टिकली समझ आते हैं, जैसे कोई सर्जरी सब्जेक्ट होता है उसमें हम जो डमीज होते हैं उन्हीं पर एक्सपेरिमेंटेशन करके सीख पाते हैं, बट वो सब ऑनलाइन लगता है, थ्योरेटिकली कुछ समझ नहीं आता है। पढ़ाई अभी भी चल रही है? हाँ अभी भी चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस, सभी की ऑनलाइन हाँ क्लासेस जी, है। सबकी ऑनलाइन क्लासेस। ये भव्या है जो यूक्रेन की पूरी स्थिति बता रही थी हमारे को, और उनका परिवार उनके साथ बैठा है। ऑनलाइन क्लासेस अभी भी भव्या की चल रही है, लेकिन भव्या की जो बेस्ट फ्रेंड हम कह सकते हैं, क्योंकि इसी के साथ भव्या के साथ वो गई थी, लेकिन वहां पर जो कागजी कार्रवाई होती है, वेरिफिकेशन होता है पासपोर्ट का, वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण आकांक्षा जो इनकी मित्र हैं, इनकी सहेली हैं, वो वहीं पर फंसी हुई हैं, और उनके परिवार के लोग भी लगातार चक्कर लगा रहे हैं सरकार के, प्रशासन के, और हम भी सरकार से लगातार अपील कर रहे हैं, प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि वहां पर हजारों बच्चे फंसे हुए हैं, ना सिर्फ करनाल के, ना सिर्फ हरियाणा के, बल्कि पूरे भारत के, और उनको निकालने के लिए प्रयास करना चाहिए वहां के राजदूत को, वहां की एम्बेसी को, भारत के राजदूत को, और उम्मीद करते हैं कि हालात जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे और बाकी बच्चे भी अपने माता पिता के पास जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ एक लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचेगी।